और अब बात विमान को उड़ाने वाली फर्जी धमकी की। 7 दिन में अब तक 70 फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। देश भर में विमानों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां की जो अगर बात करें, बाढ़ सी आ गई है। फेस्टिव सीजन के बीच कई लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, दिवाली आने वाली है और ऐसे में यह फर्जी धमकियां सरकार और सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। बम की धमकी मिलने के बाद कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा चुकी है और सबसे ज्यादा धमकी एयर इंडिया को आई और लिस्ट में दूसरा नाम है इंडिगो एयरलाइंस का। आज यानी शनिवार को 30 से ज्यादा फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। विमान कंपनियों को बम थ्रेट कॉल के चलते करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने कंपनी के सीईओ के साथ बैठक की है। रिपोर्ट देखिए। धमकी वाला कॉल हवा में बवाल, 7 दिन 70 धमकियां, होम थ्रेट वाली साजिश के पीछे कॉल। देश में दिवाली से पहले धमकियों का दौर तेज हो चुका है। पिछले 6 से 7 दिनों में 70 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। एयर इंडिया विस्तारा की फ्लाइट में एक बार फिर शनिवार को बम थ्रेट कॉल आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार मिल रही धमकियों के बाद एयरलाइंस को 80 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दरभंगा हो या फ्रैंकफर्ट, जयपुर हो या दुबई, हर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी मचा दी गई। इन धमकियों के बाद सिविल एविएशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय एक्शन में है। धमकी देने वाली या वसूली की तैयारी का प्लान बनाया जा रहा है, तो वहाँ सभी एयरलाइंस को बम थ्रेट के बाद SOP को फॉलो करने के निर्देश दिए गए। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली। पाकिस्तान के एयरस्पेस में इमरजेंसी सिग्नल मिला। 1:34 एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई, तब तक उस इनकमिंग फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है। फिलहाल कुछ नहीं, इसे माना जाएगा फेक कॉल माना। कहाँ से आया फेक कॉल, कुछ पता चला सर? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कब कब कौन कौन से रूट पर और किस किस विमान को अब तक धमकी दी गई है। 17 अक्टूबर को UK 028 विस्तारा की फ्रैंकफर्ट से मुंबई फ्लाइट को धमकी मिली। 16 अक्टूबर को QP 1335 अकाश एयर की दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद 6E 651 इंडिगो की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट को धमकी मिली। 15 अक्टूबर 7 फ्लाइट में बम थ्रेट से सनसनी मची। IX 765 जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया फ्लाइट। SG 116 दरभंगा से मुंबई जा रही स्पेस जेट फ्लाइट। QP 1373 सिलीगुड़ी से बेंगलुरु जा रही अकाशा एयर। AI 124 दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया फ्लाइट। 6E 98 सऊदी अरब से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट। IX 684 मदुरई से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट। 9I 684 अमृतसर से देहरादून होते हुए दिल्ली जाने वाले अलायंस एयर फ्लाइट। बात 14 अक्टूबर की करें तो इस दिन 3 विदेश जाने वाली फ्लाइट को धमकी दी गई। AI 119 एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट। 6E 1275 इंडिगो की मुंबई मस्कट फ्लाइट। 6E 56 इंडिगो की मुंबई जेद्दा फ्लाइट। जैस्मिन फ्लाइट्स में बम की खबर झूठी निकली। इससे पहले 9 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK 18 में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को इसकी सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर के सामान की जाँच हुई। हालांकि बम जैसी कोई चीज मिली ही नहीं थी। एनी एयरपोर्ट हु हैज गॉट लाइसेंस और वो सिक्योरिटी प्रोग्राम इज अप्रूव्ड, दे हैव ए BTCP बॉम्ब थ्रेट कंटिजेंसी प्लान एंड फॉर दैट अकॉर्डिंग टू BTCP एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग CISF एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ऑल आर इन्वॉल्व्ड। द प्रोसीजर हैज बीन डिफाइंड एंड अप्रूव्ड बाय द BCS
any hoax calls. We deal that hoax call according to the procedure approved by the BCS in that BTCP. उधर लगातार मिल रही धमकियों के बाद एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। उधर दिल्ली पुलिस मामलों में FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जांच में पता चला है कि सभी धमकियां एक ही शख्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भेजी गई थी, जो सभी झूठी निकली। उधर लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने फ्लाइट में स्काई मार्शल्स की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया। ये विमान में सादे कपड़े यानी सिविल ड्रेस में रहेंगे। फ्लाइट मार्शल की शुरुआत 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भविष्य में अपहरण को रोकने के लिए की गई थी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेज भेजने के मामले में बुधवार को एविएशन मिनिस्ट्री ने संसदीय समिति को जवाब दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक्शन लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने का निर्देश दिया गया। इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक इनमें से ज्यादातर अकाउंट विदेश से चल रहे हैं, जिसे धमकियां मिली हैं। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि धमकी देने वाले से नुकसान की भरपाई की जाएगी, साथ ही जो भी शख्स ऐसी धमकियां देगा उसकी पहचान कर उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने का फैसला भी लिया गया। शनिवार को सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बम थ्रेट मिले। DGCA के सभी कॉल्स पर लगातार नजर बनी हुई है। मंत्रालय और विभागों के बीच इंटरनल कम्युनिकेशन डिटेल्स शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन अफवाहों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सुरक्षा और खुफिया एजेंसी धमकी देने वालों का पूरा हिसाब करने की तैयारी में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।